हाय गाइस, हम रुके हैं लंच करने के लिए। हम घूमने निकले हैं आज। हम रिजॉर्ट का खा के थोड़ा बोर हो गए हैं, तो हमने कहा थोड़ा आज आउटिंग करके आते हैं। धूप भी निकली हुई है, रुक गए हैं एक दिन और। तो हम आज रानीखेत साइड जा रहे हैं, वहाँ पे कोई खतरा नहीं है। नैनीताल नहीं जा सकते, रानीखेत साइड ठीक है। तो हम अभी इस समय ना वाटिका विलेज करके है, आपको मैं दिखाती हूँ फ्रंट कैमरा से। तो ये मेन रोड पर ही पड़ रहा है, जिम कॉर्बेट का जो रास्ता है। बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये रेस्टोरेंट कैफे, बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे भी सीटिंग अरेंजमेंट है बाहर। यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर बना हुआ है कैफे, बहुत ही सुंदर है। ये आयान हमारी यहाँ वेट कर रहा है। अरे बेटा, तो अगर आप जिम कॉर्बेट आते हैं तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ एक कैफे है, आप यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए। हम यहाँ पे पास्ता खा रहे हैं। तो आप कौन से माता के दरबार से आ रहे हैं इतने सारे ये पहनकर? वैष्णो देवी के हम जो हैं। आप वैष्णो देवी से जिम कॉर्बेट आए हैं? इसे कलावा कहते हैं। अच्छा, इतने सारे कलावा आपने क्यों पहने हैं? अच्छा लगता है, भगवान का आशीर्वाद आपके हमेशा आपके साथ रहता है अगर आप कलावा पहनते हैं। नवरात्रि को तो खत्म हुए, काफी दिन हो चुके हैं, नवरात्रों का कलावा से कोई लेना देना? तो आयान का व्हाइट पास्ता आ गया है, इसको साइड कर लो, उसे ले लो। तो आयान अपना पास्ता और गार्लिक ब्रेड एंजॉय कर रहा है। हमारे जो व्यूअर्स है वो हिंदी में देखते हैं। तो हल्का मौसम अच्छा, बारिश वाला, हल्का धूप वाला। हल्का तो नहीं है, काफी बारिश थी। मेरे को तो हमारा रिजॉर्ट आता डूबा हुआ है वैसे। नहीं, इस समय मशीन से पानी निकाला जा रहा है। ऐसा तो उसके पीछे रीजन यही था कि आपका जो है बारिश के टाइम पे कोई किस तरीके से प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। बहुत ही मॉडर्न से लड़की गई है और गौरव की फौरन गर्दन उसकी तरफ मुड़ी है। देखना बनता है ना? बिल्कुल बनता है, हम उनको भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो एक स्मार्ट सी लड़की गई और हमारे हस्बैंड इंटरव्यू देते देते अपने चश्मे के अंदर से उसको देखने लगे। हाँ, तो यंग रहना चाहिए ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो भी तो आपको देखे ना, बात तो तब है। नहीं, वो देख रही है ऑलरेडी, वो मन की आंखों से देख रही है। देखो, उसने देखा आपसे, चम्मच भी नहीं संभाली गई। बहुत साफ सुथरा, बहुत सुंदर बना हुआ है, देख सकते हैं। विलेज वाटिका के नाम से है। थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन एम्बियंस के हिसाब से, फूड क्वालिटी के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से वर्थ इट है। फ्राइड राइस मंचूरियन आ गया है, आयान का पास्ता गार्लिक ब्रेड चल रही है। तो आप लंच गाइस, मेरे हस्बैंड की ना फिर से हिम्मत पड़ रही है मुझसे फालतू बात करने की। किसके चलेगी, तुम्हारी या मेरी? ये पहनने से तो मेरे से कम डरना चाहिए। तो देखा आपने, कैसे डरा दिया मैंने। किसकी चलेगी, मेरी या तुम्हारी? वाटिका विलेज रेस्टोरेंट एंड कैफे का खाना हमें बहुत डिलीशियस लगा। सबसे अच्छी बात यह कि बहुत साफ सुथरा और बहुत सुंदर बना हुआ है। बाहर भी सिटिंग अरेंजमेंट है, अंदर भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है बैठने का। खाना बहुत डिलीशियस लगा। सो मत जाना, आगे घूमने जा रहे हैं। तो आयान उठ गया और मैं बैठ गई हूँ। इसका बस शोर आ रहा है, यही कमी लगी मुझे इस कैफे में, बाकी तो बढ़िया है। तो जो लोग जिम कॉर्बेट आ रहे हैं, रुक के बात करते हो। तो जो लोग जिम कॉर्बेट आ रहे हैं, वाटिका रेस्टोरेंट में खाना ज़रूर खाएं, डिलीशियस।